Good morning, dear students. Let me tell you about your maths block 2, adding and subtracting numbers. Okay, so student, in this block we will learn about adding 5-digit number, subtracting 5-digit numbers, estimating the sum and difference, and third solving multi-steps problem. Okay, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एडिंग 5-डिजिट नंबर. फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिवर्सिटी ए में 20,500 स्टूडेंट्स हैं एंड यूनिवर्सिटी बी में 20,200 स्टूडेंट्स हैं. तो टोटल यूनिवर्सिटी ए एंड यूनिवर्सिटी बी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे. ओके, तो चलिए स्टूडेंट इसको कॉलम मेथड्स के थ्रू सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट है 20,500 in university A and 20,200 university B number of students. सबसे पहले इनकी place value students हम define कर लेंगे. ones place, tens place, hundred place, thousand place and 10,000 place. Okay? The first of all students, जब हम place value define कर रहे हैं, तो in ones place university A में जितने भी number of students हैं, उनकी value क्या है? ones place में 0, 0. हंड्रेड प्लेस में है 5, 10, थाउजेंड प्लेस में है 0 एंड 10,000 प्लेस में है 2. ओके, यूनिवर्सिटी बी में वंस प्लेस में 0, टेंस प्लेस में 0, हंड्रेड प्लेस में 2, थाउजेंड प्लेस में 0 एंड 10,000 प्लेस में 2. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 2 7, 0 प्लस 0 0 एंड 2 प्लस 2 4. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अगर हम इन्हीं वैल्यूज को लेके अबेकस मेथड के थ्रू सॉल्व करें तो इसमें क्या होगा. अबेकस मेथड में हम यूनिट प्लेस एक 5 कॉलम्स बना लिए. 5 कॉलम्स में हमने प्लेस वैल्यू डिफाइन कर ली, 1, 10, 100, 1000, 10,000. अब जहां पर जीरोस वैल्यू है स्टूडेंट्स, वहां पर हम कोई भी बिट्स पुट नहीं करेंगे और जहां पर 1 कोई भी नेचुरल नंबर आएगा वहां पर हम बिट्स पुट करेंगे. तो फर्स्ट हम यूनिवर्सिटी ए की वैल्यू पुट करते हैं. तो यूनिवर्सिटी ए की वैल्यूज में वंस प्लेस में क्या है? 0. तो यहाँ पर कोई भी बिट्स पुट नहीं करेंगे. टेंथ प्लेस में अगेन 0 है, यहाँ पर कोई बिट्स पुट नहीं करेंगे. हंड्रेड प्लेस में 5 है, तो इस हंड्रेड प्लेस में हम 5 बिट्स पुट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, थाउजेंड प्लेस में अगेन 0 है, कोई भी बिट्स पुट नहीं करेंगे. 10,000 प्लेस में 2 है, तो यहाँ पर 2 बिट्स पुट करेंगे. ओके, अब ये तो यूनिवर्सिटी ए की वैल्यू हुई. अब हम यूनिवर्सिटी बी की वैल्यू पुट करेंगे. तो यूनिवर्सिटी बी की वैल्यू के वंस प्लेस में 0, कोई भी बिट्स पुट नहीं करेंगे. टेंथ प्लेस में अगेन 0, नो बिट्स. हंड्रेड प्लेस में 5 बिट्स यूनिवर्सिटी ए की थी और 2 बिट्स किसकी हो गई? 2 बिट्स यूनिवर्सिटी बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की. ओके, थाउजेंड प्लेस में कोई भी बिट्स नहीं है और 10,000 में 2 अगेन. अब अगर हम इनकी वैल्यूज देखें तो वंस प्लेस में है 0, टेंथ प्लेस में है 0, हंड्रेड प्लेस में 7 एंड थाउजेंड प्लेस में अगेन 0 और 10,000 प्लेस में 4. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40,700. ओके, तो कॉलम मेथड और अबेकस मेथड दोनों मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें, दोनों आंसर्स सेम है. ओके, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं स्टूडेंट्स और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं. ए 50,337 प्लस 21,340. ओके, सबसे पहले हम इसको स्टूडेंट्स कॉलम मेथड से करेंगे, देन अबेकस मेथड से. ओके, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले कॉलम मेथड में हमने प्लेस वैल्यूज डिफाइन की. प्लेस वैल्यू डिफाइन करने के बाद पहले करेंगे वंस प्लेस में 7, टेंस में 3, हंड्रेड में 3, थाउजेंड में 0 और 10,000 में 5 है. इन वैल्यूज को हमने पुट कर दिया. फिर सेकेंड नंबर्स में वंस प्लेस में 0, टेंस में 4, हंड्रेड में 3, थाउजेंड में 1 एंड 10,000 में 2 है. इनको प्लेस कर दिया. अब इनको अपन सिंपल ऐड करते हैं. तो 7 प्लस 0 7,
1, 1, and 5 plus 2, 7. Okay? तो ये हमने किया कॉलम मेथड से. अब इसी क्वेश्चन को हम अबेकस मेथड से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. तो अबेकस मेथड में हमने क्या किया, हमने अबेकस के लिए कॉलम बना लिए और इनकी प्लेस वैल्यूज डिफाइन कर दी, 1, 10, 100, 1000 and 10000. ओके, अब अपन इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे. तो सबसे पहले हम वैल्यू को पुट करते हैं 50,337. तो इसके वंस प्लेस में क्या है, 7 है. तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 7 बिट्स पुट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, फिर इसमें 10th प्लेस में क्या करेंगे, 3. तो 1, 2, 3 बिट्स पुट करेंगे. फिर 100th प्लेस में भी 3 है, तो 1, 2, 3. उसके बाद 1000th प्लेस में क्या है, 0 है, तो यहाँ पर कोई भी बिट्स पुट नहीं करेंगे. 10,000th प्लेस में 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5. ये तो हमने वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट नंबर की. अब सेकंड नंबर है 21,340. इसकी वैल्यूज पुट करें तो 1 प्लेस में 0, मतलब यहाँ पर कोई भी बिट्स पुट नहीं करेंगे. 10th प्लेस में 4, तो 1, 2, 3, 4, 4 बिट्स पुट कर दी. फिर 100th प्लेस में 3, तो 3 बिट्स पुट करेंगे, 1, 2, 3. फिर 1000th प्लेस में 1 है, तो 1 बिट्स पुट करेंगे. और 10,000th प्लेस में 2 है, तो 2 बिट्स पुट करेंगे. अब काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ बिट्स, 1 प्लेस में कितनी है, 10th में कितनी, 100, 1000 and 10,000. तो 1 प्लेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 10th प्लेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगेन 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. वो सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कैसे यूज होगा, ठीक है. तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, अगर कोई मिसिंग नंबर्स है स्टूडेंट्स, तो मिसिंग नंबर्स को सॉल्व करने के लिए अपन एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे एक साथ. इन एग्जांपल बी, नंबर है 50,337 और कुछ जिसको ऐड करना है, उस नंबर में कुछ डिजिट मिसिंग है और आंसर है हमें 61,759. ओके, अब इस सिचुएशन में अगर हमें मिसिंग नंबर सॉल्व करने हैं या निकालने हैं, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आ रहा है 61,759 उससे सबट्रैक्ट करेंगे 50,337. तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा और हमें मिसिंग नंबर्स पता चल जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 61,759 - 50,357 = 9 - 7 - 2 - 5 - 3 - 2 - 7 - 3 - 4 - 1 - 0 - 1 - 6 - 5 - 1. तो नंबर है 11,422, ठीक है. तो इसमें जो मिसिंग नंबर है उनको हम पुट कर सकते हैं, ठीक है. तो मिसिंग नंबर है 1, 4 and 2. तो इस तरह से हम मिसिंग नंबर्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों फैक्ट को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. चलिए स्टूडेंट, अब सेकंड टॉपिक अपन पढ़ते हैं, सबट्रैक्टिंग 5 डिजिट नंबर्स. ओके, तो सबट्रैक्टिंग 5 डिजिट नंबर्स को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट सबट्रैक्टिंग विदाउट रीग्रुपिंग एंड सबट्रैक्टिंग विद रीग्रुपिंग. ओके, तो फर्स्ट अपन सॉल्व करते हैं सबट्रैक्टिंग विदाउट रीग्रुपिंग. विदाउट रीग्रुपिंग और विद रीग्रुपिंग का मतलब ये है, विदाउट रीग्रुपिंग नंबर्स वो होंगे जिनमें हमें किसी भी बड़े डिजिट को छोटे डिजिट को माइनस करना है, तो वहां पर बोरो नहीं लेना पड़ेगा उसकी अगले वाले प्लेस वैल्यू से, ठीक है. तो वो नंबर्स होंगे विदाउट रीग्रुपिंग. फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं 54,863 - 23,442. अगर इस नंबर को हम डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं तो 1 प्लेस पे 3 - 2 - 1, 6 - 4 - 2, 8 - 4 - 4, 4 - 3 - 1, 5 - 2 - 3. तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 31,421, ठीक है. ये हुआ स्टूडेंट्स सब्सट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग, ठीक है. एक एग्जांपल लेते हैं सब्सट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग. सब्सट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग में स्टूडेंट्स हम नंबर ले रहे हैं, नंबर है
और सब्सट्रैक्शन में यूजिंग कॉलम मेथड्स एंड अबेकस विद ग्रुप एंड विदाउट रीग्रुपिंग. ओके तो स्टूडेंट्स अब इनके कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं. तो आप सबके पास कंटेंट बुक है, मैं कंटेंट बुक वीडियो में शेयर भी कर रही हूँ, तो आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा या सॉल्व करिएगा. स्टूडेंट फर्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट लेसन वन adding five digit number. Question first, add using the column method. First question में सारे digits four four digit हैं. Okay? तो इनको आपको simple column method का use करके addition करना है. Student, question second, find the sum using the column method. यहाँ पर सारे digits five five digits की हैं. इसको आपको column method से solve करना है, जैसा आपने video में अभी देखा. फिर third question है find the missing digits. Students इनको भी सॉल्व करना है. और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे, मैं यूलो में मेल आईडी सेंड करूंगी, उस पर आप मुझे क्वेरी भेज सकते हैं और मैं उस पर रिप्लाई करूंगी आपको. ओके अगर कोई डाउट है, कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, तो आप मुझे मेल में भेज सकते हो. ओके लेसन टू सबट्रैक्टिंग फाइव डिजिट नंबर सबट्रैक्ट यूजिंग द कॉलम मेथड. ओके तो फोर फोर डिजिट को सबट्रैक्ट करना है कॉलम मेथड के थ्रू. सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द डिफरेंस यूजिंग द कॉलम मेथड. यहाँ पर फाइव डिजिट्स का सबट्रैक्ट, फाइव डिजिट्स को सबट्रैक्ट करना है यूजिंग कॉलम मेथड. एंड थर्ड क्वेश्चन में मिसिंग डिजिट को सॉल्व करना है. ठीक तो स्टूडेंट अभी आपको केवल लेसन वन और लेसन टू अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करना है. स्टूडेंट्स मैं एक और बुक शेयर कर रही हूँ आपको, उस बुक में आप देखिए एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग नंबर्स के कुछ और क्वेश्चन है, उनको भी आपको एडिंग और सबट्रैक्टिंग नंबर के क्वेश्चंस करने हैं. तो लेसन फर्स्ट में क्वेश्चन है फर्स्ट राइट द डिजिट ऑफ द टू नंबर्स वन बिलो द अदर एज पर प्लेस. ओके तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल दिया गया है स्टूडेंट्स, और ए नंबर और बी सी डी ई आपको खुद से सॉल्व करने हैं. ओके सेकेंड क्वेश्चन नंबर टू राइट द नंबर इन कॉलम. यहाँ पर भी अगेन ए नंबर आपको दिया हुआ है और बी सी डी ई आपको खुद से सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द मिसिंग नंबर इन द एडिशन प्रॉब्लम. ओके नेक्स्ट है सबट्रैक्टिंग फाइव डिजिट नंबर. सबट्रैक्टिंग फाइव डिजिट नंबर में भी क्वेश्चन वन टू थ्री फोर दिए हुए हैं. ठीक है तो स्टूडेंट्स इनको भी आपको अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करना है. ओके थैंक यू स्टूडेंट्स. Thank you.